तो गाइस इसे मिक्स करने के लिए बोला गया था, मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो जा भाई, जैसा कि आपको मालूम है पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारा माइक का इश्यू हो गया था जब हम यहाँ व्लॉग बनाने आए थे। तो यहाँ का इंटरव्यू मैं ही आपको दे देता हूँ जो कि डब करके दे रहा हूँ। तो गाइस आज हम आए थे हिंदी विश्वराज्य में जो कि जेएम रोड में ही है। तो इनका जो था यहाँ पे एक छोटा सा गाड़ी लगता था गाइस पहले, जो कि पानीपुरी का था और इतना फेमस था कि वो आज भी चल रहा है। और उन्होंने मतलब वो छोटे गाड़ी से अभी एक इनका बड़ा शॉप हो गया है जहाँ पे आपको जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के जो आइटम्स रहते हैं जो कि गर्मी में बहुत लोग पीते हैं, जैसे शरबत हो गया या फिर जैसे सोडा हो गया या फिर आइसक्रीम हो गई, कुल्फी हो गई, उसका उन्होंने एक अलग से बना दिया है। और जो उनका पहले वाला था जो कि ओल्ड वाला जो छोटा गाड़ी ये लोग लगाते थे जिसमें पानी पूरी और भी बहुत सारे वैरायटी के जो स्ट्रीट फूड रहता था वो रखते थे, तो वो ये रहा गाइस जो कि ये यहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। और ये इतना फेमस है गाइस और जो टेस्ट भी था बहुत बढ़िया है। तो आप जब भी यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना और यहाँ पे पानीपुरी ज़रूर ट्राई करना। तो इनका जो दूसरा आउटलेट इन्होंने खोला है जो कि कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको ए टू जेड आइटम्स मिल जाएंगे कोल्ड से रिलेटेड, जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गया। तो ये आज हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे कुछ तो सोडा वगैरह लेके ट्राई करेंगे क्योंकि हमें वही एक सुना था कि बहुत फेमस है यहाँ पे अभी। तो देखते हैं गाइस, ट्राई करते हैं। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हो ये मेन्यू है उनका और यहाँ पे इतने सारे वैरायटी के आपको सोडा, शरबत और कुल्फी, आइसक्रीम मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि बहुत वैरायटीज है गाइस। ऑलमोस्ट 30+ वैरायटीज है यहाँ पे इनके पास। और आइसक्रीम की भी जैसे गुलकंद हो गया, वनीला हो गया या ब्लैक फॉरेस्ट, मतलब इतने सारे वैरायटीज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करना अगर आप आइसक्रीम लवर हो या फिर सोडा लवर या फिर आपको गर्मी में कुछ एकदम चिल्ड पीने का मन कर रहा है तो यहाँ पे आप ज़रूर आना। यहाँ पे बहुत सारे मिल्क शेक भी अवेलेबल है जो कि 150 से लेके स्पेशल वाला आपको मिल जाएगा और जो स्टार्टिंग रेंज है गाइस वो 20 रुपीज़ से है। तो गाइस यहाँ पे मैंने और कैलाश ने दो सोडा लिए थे। कैलाश ने ब्लैक करंट सोडा लिया था और मैंने काला खट्टा सोडा लिया था। तो गाइस आप देख सकते हो कैलाश कैसे पी रहा है। हाँ गाइस मज़ा आ गया, मतलब पी के इतना मज़ा आ गया था और जो इसका टेस्ट था इतना रिफ्रेशिंग था गाइस, मतलब हम बहुत रिफ्रेश हो गए थे पी के। और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि इसे थोड़ा मिक्स करने के लिए, क्योंकि मिक्स करने से जो है उसका जो लांदर का सोडा रहता है वो ऊपर आ जाता है एकदम से, अच्छे से मिल जाता है। और इतना रिफ्रेशिंग लग रहा था गाइस, मतलब अब बता नहीं सकते। और हम धूप में घूम रहे थे और दोपहर के 2 बज रहे थे, तो ये दोनों बहुत फेमस थे उन्होंने बताया था। तो अभी हम पीते हैं गाइस और आपको बताते हैं आगे का व्लॉग कैसा होता है, तो बने रहिए गाइस। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे काला खट्टा सोडा को ट्राई करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये कितना रिफ्रेशिंग दिख रहा है पहले ही। तो अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स करने वाला हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए। तो मिक्स करने के बाद इसे ट्राई करते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप जरूर आना हिंदी विश्वराज्य में क्योंकि इतने सारे वैरायटीज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो गाइस अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो गाइस इतना अच्छा लग रहा था, मतलब रिफ्रेशिंग मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सही था, इतना चिल्ड था, मतलब ठंडा था कि आपको मज़ा आ जाएगा पी के। और जो क्वांटिटी भी थी वो बहुत ज़्यादा थी और ये आपको 30 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ से लेके सारी मतलब वैरायटीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 25 रुपीज़, 50 रुपीज़, ऐसे अलग अलग वैरायटीज़ है। जितना अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ स्पेशल चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुल्फी से लेके आइसक्रीम से लेके हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, आपको जो खाने का मन करे गर्मी में। तो आप यहाँ पे ज़रूर आना गाइस क्योंकि इतने सारे वैरायटीज़ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ये शिवाजी नगर में है गाइस, पुणे में, जेएम रोड पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था इनकी एक छोटी शॉप थी और अभी इन्होंने इतना बड़ा कर दिया जैसे कि आप पीछे देख सकते हो। तो यहाँ पे मस्ट विजिट है गाइस गर्मियों के टाइम में, तो पक्का आना गाइस यहाँ पे सोडा वगैरह ट्राई करने के लिए। तो गाइस मुझे पता है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई है, लेकिन अगर माइक अगर हमारा ख़राब नहीं हुआ रहता तो ये वीडियो और भी आपको ज़रूर पसंद आती। लेकिन गाइस हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम ये माइक वगैरह का इशू नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे कि सब अच्छा जाए। तो गाइस मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। The bird machine, check.